हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हनी। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गई है। इस गर्मी का मौसम में चेहरे के अंदर छोटे मोटे दाने होते रहेंगे। ये छोटे मोटे दाने हम सभी के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है और समर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इस प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ खास स्किन केयर टिप्स जिससे फॉलोअप करें आपको चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने परमानेंटली दूर होंगे और साथ ही अपना चेहरा भी क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बताऊंगी अपने चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने क्यों होती है। गर्मी का मौसम में अपने चेहरे के ऊपर नेचुरल ऑयल रहता है। एक गर्मी का मौसम में और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से अपने चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने और ज़्यादा होता है। इसकी वजह से स्किन इरिटेशन इचिंग होने लगती है। गर्मी का मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन, टैन, डर्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से चेहरे के अंदर जो पोर्स क्लॉक डाउन होती है और इसकी वजह से छोटे मोटे दाने होते रहेंगे। इन सभी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करना है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ऐसा इंग्रेडिएंट है कि अपना चेहरे के अंदर चिपक कर सारे गंदगी को, डस्ट को बाहर निकाल देती है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल। सो आप इस गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल को खरीदना चाहे तो मैं इसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख चुकी हूँ। आप वहीं से क्लिक करके चेक कीजिए। एक गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल एक्सक्लूसिवली purple.com में ही अवेलेबल होते हैं। अभी मैं इस एक्टिवेटेड चारकोल को कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। अभी इस फेस मास्क को आप अप्लाई करने के पहले अपना चेहरे को साफ रखना बहुत जरूरी है। अपने चेहरे को साफ रखने के लिए यानी कि किसी भी आपकी पसंद की फेस वॉश से फेस अच्छा सा धो लें। इसके बाद आप इस फेस मास्क को अच्छे से अपना उंगलियों की मदद से अच्छे से पूरा लेयर अपना चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। ऐसा अगर आपके चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने बहुत ज़्यादा ही है तो आप इस मास्क को स्पॉट ट्रीटमेंट की जैसा यूज़ कर सकते हो। अभी इसको ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई कीजिए। ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप अपना चेहरे को 10 मिनट के लिए सूखने तक छोड़ दीजिए। इसमें है चारकोल। चारकोल धूल मिट्टी का डस्ट को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। सन डैमेज से भी ये बचाने में बहुत मदद करती है एक्टिवेटेड चारकोल। और इसमें है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अपना चेहरे को सॉफ्ट और सपुल बनाने में बहुत अमेजिंग होता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल और ग्लिसरीन अपने चेहरे के अंदर सारे गंदगी को, डस्ट को बाहर निकाल देती है और चेहरे को सॉफ्ट और लॉस्टर और सपुल बना देती है। अब इस फेस मास्क को अपने पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करके 10 मिनट तक इसको ऐसे ही अपने चेहरे के ऊपर सूखने दीजिए। 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो के पोंछ लीजिए। आप इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। एक गर्मी का मौसम में ये बहुत अच्छा काम आते हैं एक्टिवेटेड चारकोल मास्क। अपने चेहरे के अंदर सारे गंदगी को, डस्ट को निकालने में ये बहुत अच्छा फेस मास्क है। इस मास्क अप्लाई करने के बाद अपना चेहरे को मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ गुड वाइब्स की एलोवेरा सूथिंग फेस क्रीम। इसे अप्लाई करके अपना उंगलियों की मदद से लेके इसको ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके अपना फेस को जेंटली मसाज कीजिए ताकि एक क्रीम अपना चेहरे के अंदर अच्छे से अब्जर्व होना चाहिए। क्रीम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें शिया बटर है। शिया बटर अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही स्किन को सॉफ्ट और सपुल बना देती है और इसमें ग्लिसरीन है और अपना स्किन टेक्चर को और स्किन को लॉस्टर बना देती है। और इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही ड्राई डैमेज स्किन को रिपेयर करके स्किन को मॉइस्चराइज और सूथिंग देता है। इसलिए मैं गुड वाइब्स की एलोवेरा सूथिंग फेस क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस एलोवेरा सूथिंग क्रीम को डेली आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक्टिवेटेड चारकोल और एलोवेरा सूथिंग फेस क्रीम, ये दो चीज़ को आप एक ही बार इस्तेमाल करने से अपने चेहरे के अंदर विजिबल डिफरेंस आप देख सकते हो। आप इस दो चीज़ को खरीदना चाहे तो इसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहीं से चेक करके परचेस कीजिए। आप इस स्किन केयर टिप्स को घर पे जरूर फॉलो करें, आपका चेहरा क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर दूंगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल को। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।